गुड मॉर्निंग, मेरे नाम आरके साई कुमार है। हैदराबाद में एलबी स्टेडियम का लॉन टेनिस कोच हूँ। आई एम ए सर्टिफाइड कोच फ्रॉम पीजी डिप्लोमा फ्रॉम एलएनआईपी ग्वालियर एंड आई हैव डन और मेरा जो पीटीआर सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो दिल्ली में करा हूँ, प्रोफेशनल टेनिस रजिस्ट्री कोर्स। और मेरा अचीवमेंट जाके साउथ जोन गोल्ड मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ और अंडर 16 अंडर 18 टैलेंट सीरीज चैम्पियनशिप सीरीज और थोड़ा ऐसे जो मैचेस है वो भी जीता हूँ, टूर्नामेंट्स जीता हूँ और नेशनल्स खेला हूँ जूनियर्स में। अभी जो अपकमिंग टूर्नामेंट प्लेयर्स है मेरे पास अभी कहाँ पे है? मैं एलबी स्टेडियम में अभी एलबी स्टेडियम में अभी कोचिंग दे रहा हूँ लास्ट फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ्स। रिसेंटली आई गॉट द पोस्टिंग एंड और क्या बोला, अभी कितने बच्चे हैं? समर कोचिंग वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 16 टू मई 31 चल रहा है, सो 51 किड्स आर देर। आफ्टर दिस वी हैव हमारा जो बच्चे रेगुलर बच्चे के साथ उन लोग भी 40 जने हैं। अच्छा, तब इसमें लड़के कितने, लड़कियाँ कितने समर कैंप के? समर कैंप में लड़के 35 रहेंगे और एक 25-30 बॉयज है। अच्छा, और अभी टूर्नामेंट प्लेयर्स भी है हमारे पास। अच्छा, अभी ये जो समर कैंप के है तो इसमें एडमिशंस कब करा? अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ है और मई फर्स्ट वीक तक एडमिशंस हुए, मई 31 को क्लोज है, सो मई फर्स्ट वीक में एडमिशंस क्लोज हो गए। अच्छा, तो अभी इनको भी ये समर कैंप के जो बच्चे हैं उनको भी सर्टिफिकेट्स देंगे? हाँ देंगे, उन लोग को भी सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, अभी जो रेगुलर के बच्चे हैं वो कितने हैं आपके पास? अभी 40 है, शाम में 20 है, सुबह में 40 है। अच्छा, तो अभी ये टूर्नामेंट के लिए कोई बच्चे रेडी है? अभी ये दो बच्चे हैं टूर्नामेंट्स के लिए ऑलरेडी, ये बच्चा जो है बाहर से आए हैं। कहाँ से है? चंडीगढ़ से आए। अच्छा, तो टूर्नामेंट प्लेयर है, उन्हें टूर्नामेंट्स खेल रहा है और अपन के पास भी एक वन मंथ के लिए आया है। अच्छा, बच्ची अरुबा जो है ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर से खेल रही है, सो शी इज़ ऑल्सो अपकमिंग टूर्नामेंट प्लेयर है, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स को भी जाना चाहता हूँ अभी 1-2 मंथ्स में। अच्छा, अभी ये इसके लिए अभी ये टूर्नामेंट्स मतलब ये गेम के लिए अच्छा रिजल्ट आना बोले तो उसके लिए क्या एज? 6 ईयर्स से स्टार्ट करना है, 6 ईयर्स से स्टार्ट करना है, 8-9 ईयर्स तक उन लोग गेम में पिकअप करते हैं। ये टेनिस में जो है लोकल टूर्नामेंट्स और आईटा टूर्नामेंट्स अंडर 8 से स्टार्ट हो रहा है। अंडर 8 टूर्नामेंट्स रहते हैं, अंडर 10 रहते हैं, अंडर 12 रहते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 मैन एंड वुमेन रहता है, फिर सीनियर्स भी रहेगा। सो बच्चे को कितना जल्दी लेके कितना जल्दी गेम में डाले तो उतना बॉल एंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, उससे ज़्यादा बॉल्स खेल सकते हो, गेम ज़्यादा सीख सकते हैं। और एक ये टेनिस जो है बेसिक स्किल्स ही 9 है इसमें, फोर हैंड बैक हैंड सर्विस, फोर हैंड वॉली बैक हैंड वॉली, ड्रॉप शॉट लॉब शॉट, सर्व रिटर्न स्मैश, ये पूरा चीज़ों सीखने के लिए बैक हैंड स्लाइस ये पूरा सीखने के लिए मिनिमम 3 साल लगेगा। सो बच्चों को पहले 2-3 स्ट्रोक सीखने के लिए 1 साल 1.5 ईयर लगेगा, फोर हैंड बैक हैंड कंसिस्टेंसी थोड़ा रैलीज मारना है सर्व करने के लिए, सो लॉन्ग टाइम लगेगा। बच्चों को अगर हुए तो 6-9 में डालना है, जो अपकमिंग बच्चे जो है उन लोग वो एज में आए तो और सही रहता है, वो उससे थोड़ा अंडर 10 अंडर 12 अंडर 14 में हम पुश कर सकते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उन लोग को नेक्स्ट लेवल पे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज है आपको? पेरेंट्स के लिए एक ही बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स सारे पूछ रहे हैं सर हमारे बच्चे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो रहा है, बेसिक्स में ये बोले तो हम एक ही बोलना चाहते हैं, अभी अगर एक बिल्डिंग स्ट्रांग रहना बोले तो आप कैसे पिलर्स स्ट्रांग रहते हो कैसा रहता है, इसमें भी वैसा ही है, फंडामेंटल्स जो है वही ज़्यादा बॉल्स मारना पड़ेगा। और ये क्या है, वो फंडामेंटल्स बेसिक फोर हैंड बेसिक बैक हैंड बेसिक स्ट्रोक्स जो है 1.5 ईयर तक इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं वही खिलाते रहते, क्योंकि उसमें कंट्रोल आए तो ही नेक्स्ट लेवल पर हम प्रमोट कर सकते हैं। क्रॉस कोर्ट मारना आता डाउन द लाइन्स, उसके बाद अभी फ्लैट शॉट्स मारने लगाते, उसके बाद टॉप स्पिन सिखाते, उसके बाद एडवांस जो है वो उसमें लेके जाते हैं हम बच्चों को। सो पेरेंट्स को भी थोड़ा वेट करना है, पेशेंस लगाना है, आते कि 3-6 महीने में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो, टेनिस जो है ना वो सभी स्पोर्ट रहे लो, सो मेडल्स आने के लिए 3-5 साल भी लगेगा, सो जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना, आके थोड़ा वेट करना है, बच्चों को सही एज में लेके आना, उन लोग को लॉन्गर टाइम देखना है, तो जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना है रिजल्ट्स। थैंक यू। कहाँ पे खेल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद में लॉन टेनिस कोर्ट में एलबी स्टेडियम। अच्छा, तो अभी आप टूर्नामेंट के लिए सर बोल रहे थे कि आप तो टूर्नामेंट के लिए रेडी है? हाँ रेडी हो रही हूँ। क्या है आपका इरादा अभी तो टूर्नामेंट में मेडल लाएंगे? मैं रेडी तो हूँ और कोशिश करूँगी हार्ड सक्सेस करने के लिए।
अच्छा, और बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप, जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं जो घर में हैं? उनके लिए ये मैं बोलना चाहूँगी कि जितना भी हार्ड प्रैक्टिस करोगे उससे कुछ नहीं होता है, माइंड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गुड मॉर्निंग, आई एम शंकर, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 years, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 2 weeks इन हैदराबाद इन एलबी स्टेडियम, आई प्रैक्टिस इन चंडीगढ़। It's been my ranking is 242 all India.